바퀴 봐. 랩코딩. और 0.1/2 का स्क्वायर 1 - 1/2 का होल स्क्वायर इनटू 2 ये हुआ ना ये हुआ ना ये 2 और ये 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहां पे क्या बचेगा और ना पक्का ये लगा दे 1 - 1/2 और भाई तुमने गलत किया 1 - α² होता है 1 - α² होता है 1:2 के रेशियो वाले में क्या हो जाएगा और 2 नीचे क्या आ जाएगा 1 - 1/4 कितना आ जाएगा मैट्रिक आया ना और अरे फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते ऐसे ऐसे एक निकाल के बोला करके आप बोल रहे हैं Book. That's not. That's not. Thank you.
यहां पे kp1 का फार्मूला क्या लगा हुआ है, व्हाट इज kp1, अरे रेशियो क्या है आपको, माइनस टू फार्मूला क्या लगेगा, ओवर p1 प्रेशर का रेशियो अलग कर दो, kp2 का फार्मूला क्या लगा हुआ है, माइनस टू माइनस टू का रेशियो क्या होता है, फार्मूला था अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस अल्फा स्क्वायर पी ये ठीक है, क्यों क्या यहां पे अल्फा वन अल्फा टू लिखूंगा क्या मैं, नहीं क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्स एंड जेड आर इक्वल, यहां पे भी अल्फा कुछ नहीं दो का रेशियो लो खत्म का नहीं पी1 पी2 का रेशियो लिया जाएगा, भाई के मैं पूरी चाइनीज मतलब बोला था क्या हुआ इसको, सही है ना, अब सही है ना, क्या बोला मैंने अभी माइनस टू फोर हाँ माइनस टू फोर रेशो मतलब क्या है, माइनस टू फोर हाँ माइनस टू फोर हाँ अभी केमिकल केमिकल तो उसका रेशो दिया मैं तुमको क्या होता है ना, ये सबने तरफ सर आ गया क्या, सब सबके पास है ना, आपको दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन है अमोनिया डिसोसिएट्स इनको एंड टू सच दैट degree of
function such that any function is alpha is very very less than 1. We can write it as number and we give pressure and equilibrium pressure. Equilibrium pressure is P naught. Is P naught. If Kp for and the pH. Price of minus 3 and plus 3 H2 is 27 into 10 is 2 minus 8 V naught is square 10 I answer.
चला
सुपर पावर थ्री कितना होता है? इधर तेरे को ट्राई किया भाई एटीन टू टू देखो तारे से भी अभी प्रॉब्लम नहीं है ना अंदर का ठीक है ये वो नीचे क्या है वन माइनस अल्फा का स्क्वायर वन प्लस अल्फा का स्क्वायर अंदर पावर बराबर है ना एक साथ लिए मैंने इनटू पी नॉट का स्क्वायर ये एग्जैक्ट इक्वेशन होगा आप समझो यहां पे वैल्यू क्या क्या दी हुई है इधर निकालना क्या है अल्फा निकालना अब आप सोचो वार्नर ने क्या किया इसको कैलकुलेट किया इक्वेशन बनाया ये कर सकते ये था ना इसको आपने क्या हुआ a by a minus b का होल स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर तो क्या होता है मैंने a minus b का होल स्क्वायर और a plus b का होल स्क्वायर क्या देखा आपको इधर देखो यहाँ पे अल्फा इज वेरी लेस देन वन तो अगर मैं वन से सब्ट्रैक्ट करूँ या ऐड करूँ वन ही रहेगा ना अरे वन माइनस जीरो 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 पॉइंट वन या वन माइनस वन प्लस जीरो जीरो पॉइंट वन तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आती है क्या रिजल्टेंट वैल्यू आएगी अगर मैंने बोला वन प्लस जीरो 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 वन मैंने बोला वन माइनस जीरो 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 वन इसको तुम क्या लिखोगे वन इसको क्या लिखोगे ये तो मतलब होता है अल्फा इज वेरी लेस देन वन तो वन से ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला समझ में आया कोई भी फर्क नहीं पढ़ने वाला यहाँ तक क्लियर हो सबको आया ना बाकी बात सबको समझ में अच्छे से ठीक है ये हुआ इसका मतलब केपी का एक्सप्रेशन क्या बचा 27 अल्फा का पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल इनटू पी नॉट स्क्वायर केपी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 27 इनटू 10 का पावर माइनस 8 पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अल्फा का पावर 4 बाय 16 पी नॉट स्क्वायर दिस और दिस दिस और दिस क्या बच रहा है अल्फा का पावर 4 इक्वल टू 10 का पावर माइनस 8 अल्फा पावर 4 बराबर क्या है 16 इनटू 10 का पावर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 2 कितना माइनस टू अल्फा की वैल्यू कितनी हुई जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू आया समझ में क्या समझ में जो क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन आपने नेग्लेक्ट किया आपका क्वेश्चन कभी बनने वाला नहीं है ओवरऑल ये क्वेश्चन का कराने का मोटो ये था आप एक भी इंफॉर्मेशन छोड़ोगे तो कभी भी आपका आंसर क्वेश्चन कोई हार्ड था क्या बताओ क्या ये हार्ड क्वेश्चन था कुछ भी हार्ड लगा इसका तुमको बस आपने गलती ये की इसका मीनिंग नहीं समझा ना किसी ने पूछा मेरे से अबे लट्टू तोता मत बनो क्वेश्चन आता है माइंड में पूछिए पूछने से आपके माइंड क्लियर होगा समझ में आएगा सबको चलिए सब क्वेश्चन देते हैं
जीरो टू परसेंट क्या हो जाएगा, टू परसेंट Thank you.
राउंड कर रहा हूँ यार कंप्लीट हो रहा ना एक्स इज अबाउट एन इन थ्री वन फिर कैंसिल हो जाएगा आंसर आया क्या एक्सपेरिमेंट
क्या बनेंगे देखो सर के साथ सपोज करो ए रिएक्टेंट है मेरा जो नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट लेट एन नंबर एन प्रोडक्ट्स है कितने बना रहा है एन प्रोडक्ट बना रहा है लेट इसका मोलर मास मैं मानता हूं एम कितना मैं बात का मोलर मास एम रिएक्टेंट का सिर्फ रिएक्टेंट का मोलर मास क्या है एम ठीक है इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ हुआ तो क्या अभी भी मोलर मास एम होगा इसका अपनी भाई बात समझ में ठीक है यहां पर क्या करते थे ए करते थे तब 0 0 0 0 और क्या करते थे ए माइनस ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा कितने टाइम्स था एन टाइम्स ए अल्फा आपको लिखना पड़ेगा बात इस बात को अब आपको याद होगा सर बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था एवरेज मोलर मास बराबर क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स इसलिए बोला था मैंने एटलीस्ट मोल कांसेप्ट आपके लिए समझाने का ही है समझा एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स ठीक है अगर मैं बात करूं इसके ये क्या बता रहा है टोटल मोल्स बता रहा है यहां तो अगर मैं इसका एडिशन करूं a माइनस a अल्फा ठीक है प्लस a अल्फा प्लस a अल्फा डॉट 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 n टाइम्स तक a अल्फा ये होगा आया ना n टाइम्स तक तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं a माइनस a अल्फा को प्लस n a अल्फा लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं मानते इस बात को यहाँ तक इसे कोई डाउट है इसको डाउट है ठीक है अब मैंने क्या किया ए सब में से कॉमन ले लिया मैं क्या लिख सकता हूँ वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा ए कॉमन लिया था मैंने तब आप सबको समझ में आया ये चीज सबको समझ में आया तो ये क्या है एक्चुअली मेरे पास टोटल टोटल मास है ठीक है टोटल मास कितना हो जाएगा आपने ए मोल्स लिया जिसका मोलर मास कितना है एम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स आपके पास कितने हैं ए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा ये तो हुआ अच्छा मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं इसको क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए एम बाय ए कैंसिल हो गया तो 1 यहां से कॉमन लो अल्फा तो क्या बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या इस इक्वेशन को भी सिर्फ प्रेजेंट में कर सकता हूं ये बात समझ में आ इसको नहीं समझ में आता क्या करना सबको समझ में आया ना ये पॉइंट सबको समझ में आया अब की बात दिस इज नथिंग बट योर आपका ऑब्जर्व मोलर मास यही क्या होता है ऑब्जर्व मोलर मास या एवरेज मोलर मास आप इसी को बोलते हैं एम ऑब्जर्व बराबर क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन माइनस 1 इनटू और अल्फा का मीनिंग तो वही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एम ऑब्जर्व मतलब क्या हो गया कि देखो इनिशियली रिएक्शन में आपके पास क्या था सिर्फ रिएक्टेंट था क्या था रिएक्टेंट था तो जब आपका डिसोसिएशन हुआ तो कुछ देर बाद सिस्टम मतलब कुछ देर बाद रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम पे आ चुका कहां पे आ चुका है इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम पे आने के बाद का मतलब ये है कि ये जो m रिप्रेजेंट करता है टोटल इसका एवरेज रिप्रेजेंट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है एवरेज और ऐसे भी याद रखना एवरेज मोलर मास हमेशा मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए ही क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्टेंट भी है और हो सकता है यहाँ हमने अभी तक 2 या 3 प्रोडक्ट पढ़े हो सकता है 10 प्रोडक्ट बन जाए तो सबका अलग अलग मोलर मास थोड़ी ना निकालोगे सबका क्या करते हो एवरेज निकालते हो और जैसे विराट कोहली जैसे गेम खेलता था जरूरी थोड़ी ना कि हर मैच में वो 50 मारे किसी में 100 मार सकता किसी में 90 मार सकता किसी में 150 भी मार सकता तो हम क्या बोलते हैं इसका एवरेज स्ट्राइक रेट कितना है हम ये बोलते ना कि हर मैच में एवरेज कितना बनाता है बात समझ रहे हो तो वही बात है जब जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया बात समझ रहे थोड़ा ध्यान से अगर रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे आया
तब आप एक केवल रिएक्टेंट के मोल्स भी नहीं ले सकते और ना केवल प्रोडक्ट के मोल्स ले सकते हैं, आप क्या लोगे उनका? ठीक है, अब ऐसे समझो, जैसे एम रिएक्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? एम रिएक्टेंट का मतलब है मोलर मास ऑफ क्या? दूसरे बात इंपॉर्टेंट क्या है, एक्चुअल में एम का मतलब क्या है? स्मॉल एम का मतलब, स्मॉल एम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान समझना, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ रिएक्टेंट, एक मोल रिएक्टेंट से जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे उसकी वैल्यू एम होगी। अगर यहाँ पे टू होगा थ्री होगा तो आपको उस चीज को क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे सपोज करो दो मोल रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट मिलते तो एम की वैल्यू कितनी होगी? थ्री बाय टोटल प्रोडक्ट तीन है, एक दो मोल जब तीन प्रोडक्ट बना रहे तो एक मोल कितना बनाएगा?
Yes, okay. चलो क्वेश्चन चाहिए. तीन पॉइंट और बचा है इसमें. इधर वाला पार्ट सीखा सबने? हाँ. चलो. इसे इसी फॉर्मूले को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? अल्फा बराबर बी माइनस डी बाय एन माइनस एन माइनस वन इनटू डी. ये फॉर्मूला कैसे ये अरेंज करके हम इस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ से अगर आपको कैपिटल डी की पता है, कैपिटल डी तो पता ही रहेगा आपको. पूछो कैसे, क्या हर क्वेश्चन में आपको कैपिटल डी पता रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रिएक्टर रहेगा तो मोलर मास पता है, मोलर मास पता था आपको, कैपिटल डी नहीं निकाल सकते हो है ना. अरे स्मॉल डी आपको दिया जाएगा, नहीं का समझ में तो अल्फा निकाल सकते हैं यहाँ से. ये भी फॉर्म हो जाता है. ठीक है, तो एक प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है. देखो फोर पी एस थ्री गैस टेंस टू गिव टी फोर गैस प्लस सिक्स एस टू गैस. ठीक है, इफ ऑब्जर्व द अपर डेंसिटी, इफ ऑब्जर्व द अपर डेंसिटी इज अटेन देन कैलकुलेट इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्रॉस लाइन.
ये कैपिटल डी पता है क्या तुमको? क्या हो कैपिटल डी का वैल्यू बताओ क्या? कौन बोल रहा है यार, बात करने का तुम? कैपिटल डी क्या होगा उसी? आप एक और डिस्कशन मतलब किसका है? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट क्या दिया हुआ आपको? फॉस्फीन CH3 बराबर। अब आप मुझे बताओ फॉस्फीन का मोलर मास कितना होता है? व्हाट इज मोलर मास ऑफ फॉस्फीन? अरे फॉस्फोरस का कितना होता है? हाइड्रोजन कितना ऐड करो? पहले क्लास वाले में लिखा था तुमको 2 क्या
रिएक्टर का क्या दिया हुआ है आपने, ये पागल रिएक्टर नहीं है कि ये प्रोडक्ट है। अरे करें यहाँ है ना माइंड कि कहीं और है। रिएक्टर का मोलर मास कितना होगा, फॉस्फोरस का 31, हाइड्रोजन का 1, पीएच3 का मोलर मास कितना होगा 31 + 1 × 3 = 34, डेंसिटी कितना हो जाएगा 34/2। छोटे से क्वेश्चन को लेंथी बना दो तो कोई तुमसे सीखे, ये भी टैलेंट है। मेरा तो भाग्य मिल गया ऐसे स्टूडेंट था। पता है मेरी जिंदगी धन्य हो गई तुमने सब पा के, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी ऐसे से। नींद आ रही थी सुना है यार, नहीं नींद नहीं आ रही है ऐसा लेट में सीख लो करके टीवी से चल रहा है और हो रहा है ना मैं मेरा इंग्लिश बात कर रहा हूं क्वेश्चन दे दो क्वेश्चन करा रहे फाइटर मिलता है क्या लेवल वन सबके पास जरूर सा रही है सबके पास किसके पास नहीं खड़े होगा किसके पास नहीं खड़े होगा हाँ भाई तेरा क्या बात है बुक नहीं मिल रही है दिव्या को फोन करो बुक मिल जाएगी हाँ किसी बार बुक नहीं मिले खेड़े में किसी बार बुक नहीं मिले किसी दोस्त के पास अवस्थित नहीं मेरे पास आता नहीं था मैं देता था तुम जा रहो अगर तुम ना आए तो जरा उसका आ देखा था पीडीएफ में हाँ दुकान बंद थी पूरे खेल में एक ही जरा उसको आ देखा बाकी कितनी दूर है कितने दूर बताता मैं तुझे 3 दुकान बताता ये बचपन से रह रहा याद रखना
जरा सा नहीं नहीं आ रहा क्या हेड में रहा है ना तो उसे डेली अपडाउन करता है उसे डेली अपडाउन करता है नंबर 1 टू 20 आपको पूरे करने पहले ठीक है 1 टू 20 पूरे करें ठीक है उसके बाद आप छोड़ सकते हैं 21 से भी आपको कंटिन्यू करना है 21 से
21 से 25 ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 से, क्वेश्चन नंबर 32 से सर मैं 45% दिए। चलो थैंक यू।